हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जितेंद्र पटेल एंड वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग चार प्रकार की होती हैं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। इन चार तरीकों से किसी भी ट्रेडर द्वारा ट्रेडिंग की जाती है जो जिसमें परफेक्ट होता है। स्कैल्पिंग एक इंटरडे ट्रेडिंग है, यह इंटरडे ट्रेडर द्वारा की जाती है जो कि मार्केट के 6 घंटे में 9.5 से 3.5 के बीच में की जाती है। इसमें 1 से 5 मिनट के अंदर ही किसी भी स्टॉक को खरीद कर बेच दिया जाता है। इसमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं और इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और ये ट्रेडर परमानेंटली स्क्रीन पर एक्टिव होता है और यह बहुत रिस्की होती है। डे ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को खरीद कर 1 या 2 दिन के लिए होल्ड किया जाता है। इसमें सिग्नल्स मिलते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं मिलते, मतलब जल्दी जल्दी सिग्नल्स नहीं मिलते और जो सिग्नल मिलते हैं बहुत परफेक्ट मिलते हैं। इसको आप 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट और 1 घंटे का होता है जहाँ अच्छे सिग्नल मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ट्रेडिंग है जो अधिकतर ट्रेडर द्वारा की जाती है। इसमें किसी भी स्टॉक को खरीद के 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर या 1 महीना, जब आपको लगे कि हमारा टारगेट 1 महीने बाद या इस स्टॉक का प्राइस इतने दिनों बाद ऊपर जाएगा, तब तक उसको होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसे बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे आज किसी स्टॉक को खरीदा, आज से 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल बाद जब भी उसको बेचना हो बेच सकता है। ये ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कि आपको लगता है किसी कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वो आगे चल के बहुत ग्रोथ करने वाली है, उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तो इस स्थिति में आप ये पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।